तो ड्रमनोए ओवल सिडनी की पिच की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे पिच जो है एक तरीके से बैलेंस पिच जो है आप इसे कहोगे, स्लाइटली बैटर्स के टुवर्ड्स जो है वो जाता है, वो भी अभी रिसेंट के जो एक मैचेस हुआ था उसमें हमें ऐसा देखने को मिला। लेकिन इससे पहले के जो मैचेस हमने देखे यहाँ पे, वहाँ पे देखने को मिला कि जो वहाँ पे एवरेज है वो बहुत ही नीचे है। और जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था वो अभी इस साल के सीजन का एक मैच यहाँ पे हो चुका है, और उससे पहले की बात करते हैं 2020 में यहाँ पे मैचेज हुआ था WBBL को, उसके बीच में कोई भी मैचेज जो है वो WBBL के नहीं हुए हैं, बजाय एक दो जो मैचेज ऐसे हैं जो कि ODI मैचेज यहाँ पे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये मैचेज जो आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इस ग्राउंड पे ये बात हमेशा याद रखना है कि जो बॉलर्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पे रन बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं देखने को मिलता है पीछे टाइम पे। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में देखो तो रन बन रहा है, और अभी रिसेंट टाइम में जो बैट्समैन है वो बहुत अच्छे से जो है अपने आप को इवॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें रन जो है बहुत अच्छा सा जो है वो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप हमेशा इस ग्राउंड पे जो है वो ध्यान रखोगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि देखो बॉलर्स चाहे कोई भी हो, चाहे फास्ट बॉलर्स हो और स्पिन बॉलर्स हो, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे बॉलिंग करेगा वो किस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो दे सकता है या कैसे दे सकता है। तो ये चीज़ें जैसे हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे ना आपको आइडिया लग जाएगा, तो उसके हिसाब से आप पूरे डिटेल्स में जो हो देखना। अब यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो पीच है ना, यहाँ पे टोटल डोमेस्टिक के जो हो 20 मैचेज हो चुके हैं, जिनमें से आप देखोगे तो 7 मैचेज जो है फर्स्ट बैट जीता है, और देखोगे तो आपको 12 मैचेज जो है सेकेंड बैट जीता है, और ये होते हैं 19, और एक मैचेज जो है यहाँ पे नॉन रिजल्ट हुआ है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से रहेगा, तो अभी तक का जो है उम्मीद यही बताता है कि यहाँ पे जो मैचेज हुए हैं सेकेंड बैट ज़्यादा फेवर रहा है, फर्स्ट बैट में जो है ज़्यादा रन नहीं बना है। लेकिन जो लास्ट मैच इस लीग का हुआ था उसमें हमने देखा कि फर्स्ट बैट जो है वो जीत गया, और फर्स्ट बैट में बहुत अच्छा 170 के आसपास रन बनाए थे, और सेकेंड बैट जो है उतने अच्छे तरीके से उसे पहुंच नहीं पाया और सारे विकेट जो है अपने गंवा दिया। और यहाँ पर एवरेज स्कोर भी देखोगे तो आप देखोगे कि 121 है, तो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एवरेज स्कोर नहीं है। और जो ये 171 रन बना था वो इसी एडिशन में बना है, उससे पहले अगर लोएस्ट देखोगे तो यहाँ पे 76 रन है 10 विकेट पे। अब स्कोरिंग पैटर्न की देख लो तो 150 से नीचे 17 स्कोर है, आप देखते तो 20 में से 17 स्कोर 150 से नीचे है, और ये वाला जो स्कोर गया है वो 171 से 90 के बीच में है जो कि इस साल बना है। इससे पहले की अगर बात करते हैं 2024 में जो मैसेज वो से पहले देख लो तो सारे के सारे स्कोर जो है आप देखोगे तो 170 से नीचे था। तो हाईली यहाँ पे चांसेस है कि रन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बनने वाला है। तो आपको उसी के हिसाब से तैयार रह के जाना है कि आपको बहुत ज़्यादा रन टारगेट नहीं करना है, चाहे वो सेशन हो जाए, चाहे वो आप फैंटासी के लिए खेल रहे हो या किसी तरीके खेल रहे हो, तो आपको उस तरीके का रन टारगेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है उस तरीके की उम्मीदें थोड़ा से कम रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि विकेट्स किस तरीके से दी जाए, तो लास्ट मैच यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल रहा है कि 12 नवंबर को हुआ था, उससे पहले देखो 2020 में 22 नवंबर को, 2020 में 22 नवंबर को 4 मैचेस थे जिसमें से 2 इस ग्राउंड पे हुए थे, और 2021 में भी 4 मैचेस थे, 21 नवंबर 2020 को भी 4 मैचेस थे जिसमें से 1 मैचेस इस ग्राउंड पे हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर जो अभी रिसेंट में मैसेज हुआ था वहाँ पर पर्थ ने जो है पर्थ वुमेन्स ने 171 बनाया, और सिडनी थंडर जो है वो 97 रन पे 10 विकेट ऑल आउट हो गया था। अब पेस बॉलर्स की बात करते हैं, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट गिरता है पेस बॉलर्स ने लिया, और सेकेंड इनिंग में 5 विकेट लिया पेस बॉलर्स ने। वहीं अगर स्पिनर्स की बात करते हैं, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट स्पिनर्स को मिलता है, सेकेंड इनिंग में 5 विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिलता है। तो देखोगे दोनों में 8 विकेट पेस बॉलर्स को मिलता है, 8 विकेट स्पिनर्स को मिलता है। तो जो बैलेंस है वो इक्वेशन आपको यहाँ पे इक्वल जो है होते हुए नजर आएगा। अब उससे पहले के जो मैच 2020 में हुआ था उसको देखते हैं, तो देखो यहाँ पे जो ब्रिस्बेन हीट था 114 बनाया, और 76 रन जो कि लोवेस्ट था देखोगे यहाँ पे जो है मेलबर्न स्टार ने बनाया था, 10 विकेट पर ऑल आउट हो गया। अब इसमें देखो तो पेस बॉलर ने पहले इनिंग में 5 विकेट लिया, दूसरे इनिंग में 6 विकेट लिया, और स्पिनर्स की बात करते हैं पहले इनिंग में 1 विकेट लिया और दूसरे इनिंग में 4 विकेट लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो जो पेस बॉलर्स थे वो ऑफकोर्स थोड़े से ज़्यादा डोमिनेट हुए। अब अगर उससे पहले के मैचेस बात करते हैं उसी दिन, तो देखोगे ब्रिस्बेन हीट यहाँ के जो है 115 रन बनाती है, और वही सिडनी थंडर जो 116 बना के इसे चेस कर लेता है। अब इसमें देखोगे तो पेस बॉलर ने फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट लिया था, सेकेंड इनिंग में 4 ही विकेट गिरता है जिसमें से 2 विकेट फास्ट बॉलर को मिलता है, और अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो देखोगे फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट स्पिनर्स को मिलता है, सेकेंड इनिंग में भी 2 विकेट स्पिनर्स को मिलता है। अगर उससे पहले की मैच से बात करते हैं एक दिन पहले की, तो मेलबर्न स्टार्स यहाँ पर देखोगे तो 151 बनाता है 5 विकेट पे, और ब्रिस्बेन हीट जो 152 बना देता है 7 विकेट पे। अब इसमें देखोगे तो आपको पेस बॉलर्स को पहले इनिंग में सिर्फ 1 विकेट मिलता है, लेकिन दूसरे इनिंग में 5 विकेट मिलता है। अगर वही हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो पहले इनिंग में आप देखोगे स्पिनर्स को तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो है 4 विकेट मिलता है, और सेकेंड इनिंग में जो है सिर्फ 1 विकेट मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डोमिनेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डोमिनेशन नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ ये देखने को मिला कि जहाँ पे पेस बॉलर ने सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट लिया वहीं स्पिन बॉलर ने फास्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट लिया।
अब बात कर लेते हैं टोटल, तब देखोगे जो पेस बॉलर्स ने लिया विकेट, वो 16 विकेट जो है वो फर्स्ट इनिंग में लिया है और 18 विकेट जो है सेकेंड इनिंग में लिया है। तो जो पेस बॉलर्स है वो दोनों, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, दोनों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं। तो आपको उसी हिसाब से पेस बॉलर्स को लेके जाना है। और टोटल 34 विकेट उन्होंने लिया। अगर स्पिनर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट लिया है, सेकेंड इनिंग में 12 विकेट लिया है। तो अगर हम लोग ऐसे तो ओवरऑल देखोगे ना, तो फर्स्ट इनिंग में देखोगे तो थोड़े से कम विकेट गिरे हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़े से ज़्यादा विकेट गिरे हैं। तो सेकेंड इनिंग इसका मतलब है कि यहाँ पे चेस करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो ऐसे में थोड़ा सा विकेट भी जो है ज़्यादा गिरने के चांसेस बनते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो जो लास्ट के विकेट 4 मैचेज है ना, उसमें 56 विकेट गिरा है। तो आप कह सकते हो कि पर मैच अगर आप देखोगे तो आप ऐसा ले सकते हो कि पर मैच आप ले लो कि 12 विकेट या 11 विकेट के आसपास जो हो गिरा होगा। अब जिसमें से देखोगे 34 विकेट जो है फास्ट बॉलर ने लिया है और 22 विकेट स्पिन बॉलर ने लिया है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि फास्ट बॉलर ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया और स्पिनर्स डोमिनेट नहीं किए। दोनों में जो बैलेंस है उसमें फास्ट बॉलर थोड़े से ज़्यादा जरूर रहे हैं, लेकिन हाँ स्पिनर्स का डोमिनेशन भी रहा है। तो अब इस हिसाब से हमारा टीम जो है ना क्या करेंगे कि फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों को जो हम लोग लेके चलेंगे, और बैट्समैन की बात करते हैं कि जो बहुत अच्छे फॉर्म में होगा उसी को लेके चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आप देखोगे जो बैट्समैन का जो इनिंग है ना वो आपको बहुत लंबा दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका रीजन यही है कि यहाँ पे विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिरता है। तो उसके हिसाब से हम लोग तैयार होकर जो है इस ग्राउंड पे चलेंगे। और अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह का जो विनर्स सेशन एंट्री जो है वो चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में मिल जाएगा। तो आपको डिटेल से जो है सब कुछ जानकारी मिल जाएगा वहाँ पे।